नवाज शरीफ सब चोर हैं। उन्होंने अपने सारे करप्शन केस खत्म कर लिए हैं और इमरान खान के केस पे केस बढ़ाए जा रहे हैं। चोरों चक्को का कोई वोट नहीं। इंतजाज हसन साहब कह रहे थे कि 14 अगस्त वो आप लोगों के साथ करेंगे। खंबे भी खिला देगा जी, खंबे वोट पा देना। असलम गाइस, कैसे मुझे उम्मीद है कि साथ वेल एंड गुड होंगे। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लाहौर का जो है ना खतरनाक सर्वे आ चुका है। वीडियो यानी कि बहुत ही यानी कि इंटरेस्टिंग वीडियो, कमाल की वीडियो है। लाहौरियों ने यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौरियों ने अपना जो है कि जो फैसला है लाहौरियों ने वो सुना दिया है। अब यानी कि देखते हैं इसमें, अब यानी कि ना इमरान की हुकूमत रही ना शहबाज की हुकूमत रही, अब देखते हैं यानी कि आवाम किस तरफ करिए। आइए इस वीडियो में देखते हैं, वीडियो कमाल की वीडियो मैं आपके लिए यानी कि ढूंढ के लाया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा, वीडियो बहुत ही मजे की और इंटरेस्टिंग वीडियो है जी। नवाज शरीफ सब चोर हैं। उन्होंने अपने सारे करप्शन केस खत्म कर लिए हैं और इमरान खान के केस पे केस बढ़ाए जा रहे हैं। चोरों चक्कों का कोई वोट नहीं। इंतजाज हसन साहब कह रहे थे कि 14 अगस्त वो आप लोगों के साथ करेंगे। खंबे भी खिला देगा जी, खंबे वोट पा देना। नवाज शरीफ। मियां साहब? हाँ जी मियां साहब। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। आप सब तो नए लोग हैं। फिर आएंगे इंशाल्लाह। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। वो तो नए लोग हैं, इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। वोट किसको दे रहे हैं? इमरान खान। वोट किसको देंगे? पीटीआई खान साहब की है। हो ना, आप तो अंदर हो गए हैं, नए लोग हैं। मैं इसलिए पीटीआई कहा, मैंने खान साहब को तो नहीं कहा। पीटीआई जब तक है वोट उनका। चोरों चक्कों का कोई वोट नहीं, वोट दयानतदार बंदे का। वोट जी पीटीआई का जी, वोट खान साहब का अंदर चले गए तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। ये बताएं वोट किसको देंगे? इमरान खान को। यार ये सब चोर हैं, बस कुछ ना पूछे, जेल में चला गया। वो कर लें जो मर्जी, उसकी पार्टी का कोई तो मेंबर खड़ा होगा ना, जो भी खड़ा हो रहे वोट मान इमरान को। देश के अंदर नवाज शरीफ सब चोर हैं, जरदारी जरूरी सब चोर इकट्ठे हुए हैं, कोई मसला नहीं। वोट खान वोट इमरान का। वोट किसको दे रहे हैं? मियां का। नवाज शरीफ। मियां साहब पक्का वो आपका? वो सेम टू यू। सेम टू यू? सेम टू यू। तो वोट जी मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका वोट? हमारा नवाज शरीफ। वोट इमरान खान को। खान साहब तो अंदर चले गए भाई, तो फिर क्या हुआ? नहल पार्टी तो है ना उनका, नहल हो गया क्या हो गया? लेकिन उनका मंशूर पार्टी खत्म हो गई। पार्टी नहीं खत्म होगी, पार्टी खत्म भी होगी तो भी उन्हीं के जो रिलेटेड लोग हैं उन्हीं को देंगे। खान साहब लेके आएंगे उसी को। उन्होंने अपने सारे करप्शन केस खत्म कर लिए हैं और इमरान खान के केस पे केस बढ़ाए जा रहे हैं। 200 प्लस कर दिया ना उन्होंने। खान साहब आ रहे हैं दोबारा, इंशाल्लाह आएंगे। उम्मीद है जी, बिल्कुल। इतजाज हसन साहब कह रहे थे कि 14 अगस्त वो आप लोगों के साथ करेंगे। इतजाज हसन साहब बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं है तो फिर हम तो खुद है ना, हम खुद निकलेंगे फिर उसके लिए। खान साहब के? हाँ जी, क्यों नहीं निकलेंगे ना यार भाई। वोट किसको दे रहे? वोट अभी सोच रहे हैं किसको देना है, जिसको देना था उसको पकड़ लिया। अब अगर वो दोबारा आ जाते हैं वोट उसी को देंगे हम। उसकी पार्टी तो पीछे है खान साहब, तो उसी को वोट। देखें जी, आवाम ने यानी कि फैसला सुना दिया आपके सामने, यानी कि वो कहते हैं कि उसको यानी कि अरेस्ट कर लिए, तो वोट किसका है? यानी कह रहे हैं जो आवाम यानी कि इमरान खान को यानी कि देना है। अगर वो ना भी रहा ना, तो उसकी पार्टी का कोई भी यानी कि कारकुन अगर खड़ा हो जाए तो हम उसको देने के तैयार हैं। हाँ, यहाँ तक भी यानी कि आवाम ने फैसला सुना दिया कि अगर खंबे को भी खड़ा कर दे तो हम उसको भी देने के लिए वोट तैयार हैं। ये आवाम की राय है भैया जी। जिसको भी खड़े करेगा वोट उसी को देंगे। क्या वजह? बस एक बंदा हमें दिल से अच्छा लगा यार, वोट तो उसी को मिलना है। ये सब चोर डाकू को उसने इकट्ठा करके छोड़ा है। नवाज शरीफ। ये साहब? हाँ जी। पेट्रोल? कोई बात नहीं, वो तो सबके साथ ही। ये साहब से मोहब्बत है? हाँ जी। वोट जी मियां, वोट किनू पा रहे हो? वोट पाने तौबा, इन्होंने उन्होंने जाया किता चंगा जे, इन्हें बगैर दिया नहीं देना किसी ने भी, किसी को भी नहीं, किसी ने नहीं। खान साहब, मियां साहब, बिलावल साहब, फजल रहमान, जो डाकू लुटेरे सब इक्को लड़ी देने जान। वोट किसी ने देना पड़ता आया कर दो बेहतर है। किसको दे रहे वोट? हम नवाज शरीफ को देंगे। ये साहब वोट किसको दे रहे? इमरान खान। अंदर हो गए जी? कोई बात। नहल भी हो गए? कोई बात। किसको दे रहे? वोट नॉन लीग का। मियां साहब? हाँ जी। गाइस को फर्क नहीं पड़ा?
नहीं, महंगाई जो की है इमरान खान ने किया है। अब जो महंगाई अभी जो है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया? पहले इमरान खान ही करके गया, उसके बाद ही इन्होंने कुछ सीधा करने के लिए और महंगाई। हाँ जी, और महंगाई की है। वोट किन पा रहे हो? इमरान खान। नहल हो गए खान साहब, वोट उसको दे रहे हैं? इमरान खान इंशाल्लाह। नहल हो गए खान साहब? कोई मसला नहीं इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खान साहब के फैन है हम यार। इमरान खान को दे देंगे खान साहब तो। नहल हो गए, कोई बात नहीं, वोट फिर भी पीटीआई जी। वोट तो भाई अभी तो फिलहाल शेर ही शेर है, आपको पता ही है। ड्राइव चला रहे हैं, पेट्रोल तो महंगा हो गया। महंगा हो गया फिर भी शेर शेर ही है भाई। शेर शेर ही। हाँ जी भाई, और महंगा हो सस्ता हो शेर शेर है जी। वोट इसको दे, नॉन ले को मियां साहब। हाँ, वोट मियां साहब करी, जो मर्जी हो रही वोट मियां साहब का। वोट लब्बैक को। आईडी कार्ड जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट किसको दे? इमरान खान को। नहल हो गए? नहल हो गए, जो भी हो गए, बंदा अच्छा बंदा है उसको, और बंदे तो है उसके अपने वजीर तो बैठे हुए। दूसरा ऑप्शन नहीं आपके? नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं। और खान से? और खान से। वोट आप? इमरान खान। कोई खास फर्क नहीं पड़ा? नहीं, सवाल पूछ नहीं अपने आप। बेशक इमरान खान खंबे को कड़ा कर दे, हमारे वोट उसके साथ ही हैं। जन आपका वोट? इमरान खान। और खंबे ने भी खिला देगा जी, खंबे ने वोट पा देना। अब तो जेल के अंदर चलेगा तो फिर जो आ जाएगा, गंजा नहीं किया सी। लोरिए तो हमेशा मियां साहब को सपोर्ट करते हैं? नहीं, लोरिए नु सपोर्ट करते ने, लोरिए नु गाना कढ़दे ने, अपने हलका तो हारदा ही है जदों भी हारदा है। वोट किसको दे? इमरान खान। वोट किसको दे? वोट तो शेर को ही देंगे। मियां साहब? मियां साहब। महंगाई से कोई फर्क नहीं? महंगाई से फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, ये कि नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, तौबा तौबा हो गई है। मियां साहब वोट फिर? मियां साहब वोट तो फिर भी हम मियां साहब को ही देंगे, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि ये सड़कें सुड़के भी ठीक है, वो भी जरूरत है ठीक है, लेकिन ये महंगाई पे ये भी कंट्रोल करें। वोट किसको दे रहे? वोट तो देखें जी, आप पत्थर पे लकीर है खान साहब को ही जाएगा, बल्कि इस बार तो दिल कर रहा है 14 अगस्त भी ना मनाएं, क्योंकि जो हमारा कायदा है उस पर हालात थोड़े सख्त किए हैं, और उसको सब नहल हो गए हैं जेल के अंदर, फिर भी वोट खान साहब? देखिए खान साहब जिधर मर्जी जाएं हमने वोट खान को देना, अगर खुदा ना खास खान को कुछ होता भी है, जो खान की पार्टी से बंदा खड़ा होगा हम उसको वोट देंगे। खान साहब की नहली और सजा के बाद आपने लाहौरियों की आवाज़ सुनी कि लाहौरी जो है अपना फैसला उन्होंने सुना दिया किसको वोट दे रहे हैं। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है आप कहाँ से और किसको वोट दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान दिशा रामे को दी इजाज़त, अल्लाह ने के बान जी। तो गाइस आपने यानी कि सर्वे सुन लिया कि लाहौरी का फैसला जो है ना वो आ चुका है आपके सामने, यानी कि लाहौर इस वक्त यानी कि किस तरफ यानी खड़ा है, इमरान खान के साथ या पीडीएम के साथ खड़ा है, उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। अब देखते हैं आप लोगों की कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या यानी कि रिप्लाई देते हैं, आप किसको यानी कि वोट देना चाहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।